Presenting the smart and efficient drainage solution. Inspection chamber. इंस्पेक्शन चेंबर सफाई का रास्ता देते हैं। इन्हें एक आसान ड्राई जॉइंटिंग तरीके से तुरंत मेन से कनेक्ट किया जा सकता है और वाटर टाइट जॉइंट बनाया जा सकता है। आशीर्वाद इंस्पेक्शन चेंबर के फीचर्स हैं हाई फ्लो कैपेसिटी, हाई हाइड्रोलिक टाइटनेस, सेल्फ क्लीनिंग, बहुत किफायती, नए कनेक्शन जोड़ने की सहूलियत। इसे बड़ी आसानी से और फौरन इंस्टॉल किया जा सकता है। इसे बार बार साफ करने की जरूरत नहीं। अब जानते हैं इंस्टॉलेशन चेंबर इंस्टॉल करने का तरीका। जब ट्रेंच में इंस्पेक्शन चेंबर इंस्टॉल करना हो तो ज्यादा जमीन को खोदें, ताकि चारों ओर 300 मिलीमीटर की फ्री स्पेस मिल सके। एक फ्लैट इंस्टॉलेशन बेड बनाएं, जिसकी कम से कम मोटाई 100 मिलीमीटर कॉन्क्रीट की हो। इंस्टॉलेशन से पहले बेस कंपोनेंट तैयार करने के लिए चेक करें कि सभी सील साफ हैं। सीलों को लुब्रिकेट करें और पाइप शैम्फर्ड के मेल सिरों को पहले से ही लुब्रिकेट कर लें। बेस की इंस्टॉलेशन के लिए बेस को बेड पर प्लेस करें और जैसी जरूरत हो अडैप्टर्स या रिड्यूसर्स को इस्तेमाल कर पाइप वर्क को कनेक्ट करें। इस्तेमाल न होने वाले ऑफ सॉकेट्स को सॉकेट प्लग से बंद कर दें। बेस को स्टेबलाइज करने के लिए शाफ्ट लोकेट करने से पहले इसके चारों ओर बेडिंग मटेरियल बैकफिल अप्लाई करें। राइजर की इंस्टॉलेशन के लिए सीलिंग रिंग को चेंबर के ऊपरी सिरे पर सही पोजीशन पर लाएं, फिर लुब्रिकेट करें। राइजर को बेस पर पोजीशन करें ताकि जितनी फाइनल हाइट चाहिए वो मिल जाए। आखिर में राइजर को बेस पर धकेलें ताकि एक वाटर टाइट सील बन जाए। अब बैकफिल करें और सही कॉम्पैक्शन चेक करें। इंस्पेक्शन चेंबर की कवरिंग के लिए फ्रेम और कवरिंग लिड को पोजीशन करने से पहले कम से कम 150 मिलीमीटर की इंजीनियरिंग ब्रिक या कंक्रीट बेडिंग बनाई जानी चाहिए। आखिर में ब्रिक वर्क या स्लैब के ऊपर क्लोजिंग लिड या फ्रेम को सही पोजीशन में लाना चाहिए। टॉप कवर फ्रेम और राइजर के बीच का गैप कम से कम 5 से 15 मिलीमीटर का हो। फ्रेम सीधे राइजर या इंस्पेक्शन चेंबर पर नहीं बिठाना चाहिए, ये कंक्रीट बेड के ऊपर रखा जाना चाहिए। इससे राइजर या इंस्पेक्शन चेंबर लोड के इंपैक्ट से बच जाएगा। मैनहोल काफी बड़े साइज का इंस्पेक्शन चेंबर होता है, जिसमें व्यक्ति अंदर उतर सकते हैं और सिस्टम की जांच और सफाई कर सकते हैं। मैनहोल की इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन चेंबर की तरह की जाती है। आशीर्वाद मैनहोल की यूएसपी, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। 20 सालों से ट्राइड एंड टेस्टेड। इसके टॉप कवर्स ज्यादा लोड सहने की क्षमता रखते हैं। ये ईएन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम है और ये मेंटेनेंस फ्री है। इन्हें जंग नहीं लगती। ये यूवी रेसिस्टेंट हैं, इसलिए अल्ट्रा ड्यूरेबल हैं। इन्हें इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आशीर्वाद पाइप्स, द स्मार्ट एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सॉल्यूशन।